अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ भेजा करी। यह मुझसे किसी ने फरमाइश के करके कहा था, मैं उन्हीं की फरमाइश पर इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और मैं आपको और भी आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसको बनाना बताऊँगी। और ये मैंने लिया है एक भेजा, मैंने लिया है बड़े का भेजा। मैं इसे धोकर साफ़ करूँगी। आगे देखते हैं हमें क्या क्या मसाले चाहिए। मैंने लिए एक प्याज स्लाइस्ड की हुई, 12 से 15 हमारी काली मिर्च, 4 से 5 हमारी लौंग, एक बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े, और ये हमारा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हमारा हल्दी पाउडर, ये हमारा 1 टेबलस्पून साल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारा 1/2 टेबलस्पून हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल जिसमें हम अपनी भेजे को बनाएंगे, ये हमारा 2 टेबलस्पून हमारा अनियन पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/2 टेबलस्पून हमारी दही। हमें इतनी ही दही चाहिए, इसमें अपना टेस्ट बहुत यमी होता है। चलिए अब इसे साफ़ करने की तरफ चलते हैं। मैं इसको इस तरह इसकी एक एक स्किन को उतारते हुए इसको इसी तरह कच्ची को ही इसे साफ़ करूँगी। मुझे इसे ही अच्छा लगता है इसको साफ़ करना, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से खाल छूट जाती है। ये देखिए, मैंने इसको धो लिया है, साफ़ कर लिया है, सारी स्किन छुटा ली है। मुझे इसको कम से कम 1 घंटा लगा था इसको सारा साफ़ करने में। बहुत पेशेंस रखे इसको साफ़ करा, फिर धो लिया। अब चलिए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने लिए एक कढ़ाई और मैं डाल रही हूँ उसमें अपना वही 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप और जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं आप इसको उसमें भी बना सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना है। मैं इसमें डालूँगी प्याज, मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये खाने में बहुत यमी लगता है और मजाक के तौर पर कहते हैं कि भेजा खाने से अकल आती है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जीज आती है या नहीं। चलिए हमारी प्याज हो गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में। मैं इसको लास्ट में बिल्कुल गार्निशिंग के टाइम।
थोड़ा सा दही भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हम भेजा हमने वॉश कर रखा हुआ था, उसका सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया था, सारा छन्नी में डालकर हमने रख रखा था मैंने इसको, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। मैं इसको इसमें डालकर भूनूंगी बहुत अच्छे से, ऊपर नीचे चलाते हुए इसको हम पूरा मसाले से कोट कर लेंगे और इसको पानी छोड़ने देंगे। बहुत हल्का हल्का पानी खुद छोड़ता है, आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये पानी छोड़ रहा है। इसको भूनना है हमें बहुत अच्छे से, अगर ये अच्छे से नहीं भूना तो इसका टेस्ट फिर कच्चा कच्चा सा रह जाता है। हमें अच्छे से भूनना है नीचे से ऊपर चलाते हुए, ये देख सकते हैं आप। अब ज़्यादा इस चलाते नहीं हैं, अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएगा। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 हरी मिर्ची कटी हुई, बारीक कटी हुई, आप जैसा पसंद करते हैं, मोटी पसंद करते हैं तो मोटी डाल सकते हैं, हल्की पसंद बारीक पसंद करते हैं तो आप बारीक डाल सकते हैं। और अब मैंने डाला है इसमें 1/2 टेबल स्पून हमारा गरम मसाला, जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस करेगा। बस थोड़ी सी देर और इसको पकाना है, उसके बाद ये रेडी टू सर्व है। जब ये अपना ऑयल छोड़ना रिलीज करना शुरू कर देगा ना, बस ये रेडी टू सर्व। चलिए अब ये तैयार है, अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। मैंने इसको सर्व किया है प्लेट में और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वो वाली ऑयल जो हमने इसमें से उतारा था। मैं इसको अच्छे से डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ अपनी गोल्डन ब्राउन हुई भी प्याज जो हमने इसमें से निकाली थी, और मैं डाल रही हूँ उसमें लास्ट हरा धनिया। इसको इंजॉय कीजिए, बनाएं, खाएं, खिलाएं अपनी फैमिली को, और जिनको पसंद है उनको एक्स्ट्रा से खिलाएं। मेरे घर में इसको मेरे हबी पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।